नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 मई 2019 के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने मोबाइल फ़ोन पर 20% आयात शुल्क लगाने को लेकर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत की शिकायत की है? तो भारत की शिकायत की है अभी हाल ही में जापान ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो बिल्कुल ठीक होगा। जापान ने कहा है कि भारत ने करों का समायोजन कर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है और 20% आयात शुल्क लगाने की बात की है, वो शिकायत की है WTO में। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। अच्छा, जब भी टोक्यो का जिक्र आए तो आपको 2020 के ओलंपिक भी याद आ जाने चाहिए। 2020 के ओलंपिक कहाँ होंगे? ये होंगे टोक्यो में होंगे। अच्छा, इसमें से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये समर ओलंपिक है, याद रखिएगा। विंटर ओलंपिक और समर दो टाइप के ओलंपिक होते हैं, जिसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है समर ओलंपिक। अच्छा जी, जापान की करेंसी का नाम है येन, जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे और जापान की संसद है डाइट, इतना याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने 14 मई 2019 को RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है यस बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। और 14 मई 2019 को RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे आर गांधी, इन्हीं को ही नियुक्ति की घोषणा हुई है ये, और ये इनका कार्यकाल जो है वो 14 मई 2019 से 13 मई 2021 तक के लिए इनका कार्यकाल जो है वो प्रभावी होगा। अच्छा, इसमें RBI इम्पॉर्टेंट है एक तो, और यस बैंक का हेड ऑफिस तो है आपका मुंबई में, रवनीत गिल इसके CEO है। और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था, और RBI के 25वें गवर्नर है, उनका नाम है शक्तिकांत दास। और RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस पड़ता है मुंबई में, इतनी बात हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन से। चलिए आज मुझे आप एक क्वेश्चन अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, RBI के 25वें गवर्नर तो शक्तिकांत दास है, RBI के पहले गवर्नर कौन थे? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में स्थित एक लैबोरेटरी के सेंसर्स के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 415.26 PPM पार्ट्स पर मिलियंस पहुंच गया है और मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है? तो ये अमेरिका की एक लैबोरेटरी है, इसने ऐसी रिसर्च की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, और इसी ने ये बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो 415.26 PPM पहुंच गया है और मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे इस नेचर में 0.03% थी पहले, लेकिन अभी इसका परसेंटेज 0.04 हो चुका है। और दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड गूगल सर्च इंजन से सबसे ज़्यादा निकलती है, उसके अलावा फूली हुई रोटी से निकलती है, के अलावा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम सांस ले रहे हैं, जनसंख्या का भी इसमें काफ़ी हद तक रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती है, कांच ग्रह प्रभाव जिसे बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी आग बुझाने में भी मदद करती है। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है Washington DC, अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर, और अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने 14 मई 2019 को निम्न में से किसको ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है? तो ये GS लक्ष्मी है, ठीक है, इनको मैच रेफरी अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अच्छा, ICC की बात आई है तो ICC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ICC का हेड ऑफिस कहाँ पे है? दुबई में इसका हेड ऑफिस पड़ता है। शशांक मनोहर ICC के अध्यक्ष हैं और इसके CEO वर्तमान में इसके CEO है डेविड रिचर्डसन, लेकिन जुलाई 2019 में अभी जो नए नियुक्त कर दिए गए हैं उनका नाम है मनु सहानी। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण NGT ने देश भर में भूजल संसाधनों पर दबाव कम करने और शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 18 राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को कार्य योजना जमा करने का निर्देश दिया है। तो ये 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कार्य योजना का योज करने के लिए निर्देश दिया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। NGT ने ये कहा है 14 मई 2019 को कि देश भर में भूजल संसाधन का मतलब क्या होता है, जो अपने ट्यूबवेल है, नलकूप है, उन पे दबाव कम करने के लिए, मतलब उनका कम से कम यूज़ करने के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग सुनिश्चित, जो वेस्टेज पानी है उसको दोबारा रिसाइकल यूज़, दोबारा पानी उसी का यूज़ करने के लिए 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनको बेसिकली बोलते हैं STP प्लांट। STP का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएँ ताकि जो भूजल संसाधन है, हमारी जो ज़मीन का, धरती का, पानी का लेवल है वो कम ना हो। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें NGT है तो NGT के बारे में आप मुझे बताइएगा, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे और इसके अध्यक्ष कौन है। मैंने आपको कई बार बताया है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पर समर्पित पत्रिका का आरंभ करने वाले प्रकाशक का नाम क्या है। और ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया, माफ़ करिएगा, ठीक है, कल भी था ये, यस लाहोटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से परमाणु समझौते के अंतर्गत संयुक्त समग्र कार्य योजना JCPO के तहत किए गए वादों से खुद को अलग किया है। तो ये खुद को अलग किया है ईरान ने, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ईरान ने आधिकारिक रूप से परमाणु समझौतों के अंतर्गत अपने आप को, जो संयुक्त समग्र कार्य योजना है, उनसे खुद को अलग कर लिया है। थोड़े टाइम पहले ईरान पे जो अमेरिका ने लोहो बेचने पर और तांबा और कुछ अयस्क बेचने पर रोक लगाई थी। और ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तहरान, ईरान की करेंसी है आपकी ईरानी रियाल, और ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। और ईरान का जब भी जिक्र आए तो एक बात भी और भी याद रखिएगा, ईरान में पड़ता है चाबहार बंदरगाह, ठीक है, ये चाबहार बंदरगाह है जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं भारत से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर जन्मदिन मनाने के दौरान चेहरे पर केक लगाने, टेप चिपकाने, फोम या अन्य केमिकल फेंकने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर निषेधा निषेधाज्ञा जारी की है। ये जारी की है गुजरात पुलिस ने। ए ऑप्शन सही है आपका इसका, ठीक है। गुजरात पुलिस ने ये कहा है कि केमिकल फेंकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए, देखो क्या होता है कि सभी बर्थडे वगैरह मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम पब्लिक प्लेस पे केक वगैरह लगाना। अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने जन्मदिन मनाने के बाद केक लगाना, मुंह पे टेप चिपकाना, झाग वगैरह या फोम वगैरह जो फेंक देना, इनके लिए मना किया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपाणी, गुजरात के राज्यपाल है हमारे OP कोहली, ओम प्रकाश कोहली। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और बात करें गुजरात के अंदर, एक बात और भी खास है कि गुजरात की सबसे ज़्यादा समुद्र तट रेखा है, ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखनी है गुजरात से। और एक रिसेंटली करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 24x7 घंटे तक दुकानें खुली रह सकती है, गुजरात सरकार ने अभी ये भी अलाउ कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के इगोर सिटमैक को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। किस देश के इगोर सिटमैक, तो ये इगोर सिटमैक जो हैं ये क्रोएशिया के रहने वाले हैं। डी ऑप्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके कैप्टन का नाम है क्रोएशिया के लुका मॉड्रिक, जिनको 2018 का बैलोन डियार पुरस्कार मिला था। और बेसिकली 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप में ये देश जो है ये रहा था उपविजेता, रहा था फ्रांस देश रहा था, याद रखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के साथ 2 साल का अनुबंध किया है इगोर सिटमैक का। चलिए क्रोएशिया के बारे में आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने बताया है कि चंद्रमा लाखों वर्षों से सिकुड़ रहा है और हिल भी रहा है? तो ये बताया है नासा ने, ठीक है। नासा ने कहा है कि चंद्रमा लाखों वर्षों से थोड़ा कम हो रहा है और थोड़ा 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 हिल भी रहा है अपनी जगह से। नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विलुप्त होने वाली प्रक्रिया के बाद किस विलुप्त पक्षी को फिर से दिखाई दिया गया है? तो सफ़ेद गले वाली रेल जो है ये विलुप्त हो गया था, लेकिन अभी दोबारा दिखाई दिया गया है। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, देखो सफ़ेद, ठीक है, वाइट थ्रोट रेल जो है ये दोबारा दिखाई दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कार निर्माण कंपनी ने 2039 तक दहन इंजन को छोड़ने की घोषणा की है? जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो ऐसे आग से जलने वाले इंजन हैं, इसको मर्सिडीज़ बेंज ने छोड़ने की घोषणा कर दी है 2039 तक। कहा है कि उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही गाड़ियां बनाई जाएगी, मर्सिडीज़ का ऐसा कहना है। अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें बने हैं आर गांधी की फ़ोटो देख लीजिएगा, ये है आर गांधी, यस बैंक के जो अभी मैंने कार्यकारी बताए थे, ये इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार इसरो ने इंडिया यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका 2018 नामक 2 सप्ताह की लंबी गर्मी छुट्टियों के आवासीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान, उन्होंने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम यानी कि युविका इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और छात्रों को 8वीं कक्षा CBSE और राज्य पाठ्यक्रम के उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। जितने भी 9वीं क्लास के अभी बच्चे हुए हैं उनको इसमें चुना गया है और जय विज्ञान जय अनुसंधान का इसका एक नारा भी है और छोटे बच्चों को, हर राज्य से लगभग एक बच्चा तो इसमें चुना गया ही है और 108 से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने एक बार के लिए सिलेक्ट किया था। इसरो की अगर बात करी जाए तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 को। इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान हैं और इसरो की स्थापना की थी विक्रम अम्बलाल साराभाई ने और इसरो जो है हमारा, ये इसरो का हेड ऑफिस है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल और HDFC लाइफ ने प्रीपेड ग्राहकों के लिए बीमा की पेशकश की है। अब HDFC लाइफ जो है वो और एयरटेल, इन दोनों ने मिलके बीमा कवर 18 से 54 वर्ष की आयु के लिए एक ग्राहकों का बीमा जो है वो स्टार्ट कर दिया है। 249 रुपये के प्रीपेड कार्ड ग्राहकों के लिए जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए ये आपस में इन दोनों का समझौता हुआ है और 249 रुपये की प्रीपेड रिचार्ज में 2 GB डेटा, सभी नेटवर्क पर असीमित कॉल, प्रतिदिन 100 SMS और HDFC लाइफ की ओर से 4 लाख रुपये का बीमा कवर और इसकी वैधता रहेगी 28 दिन के लिए, ऐसा इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया है। HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका हेड ऑफिस है मुंबई में और इसकी CEO हैं अभी वर्तमान में विभा पाडलकर। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का हेड ऑफिस तो है नई दिल्ली में, CEO है गोपाल विट्टल और इसकी स्थापना की थी सुनील भारती मित्तल ने। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने सिटी बैंक के साथ मिलकर अपना पहला क्रेडिट कार्ड पेटीएम फर्स्ट कार्ड लॉन्च किया है। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है यही है सिटी बैंक के साथ मिलकर पेटीएम फर्स्ट, याद रखिएगा डिजिटल भुगतान कंपनी है पेटीएम, इसने सिटी बैंक के साथ मिलकर अपना पहला पेटीएम फर्स्ट कार्ड लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति MB लोकुर को फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में 3 साल के नियुक्त किया गया है। ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे MB लोकुर, इन्हें फिजी सर्वोच्च न्यायालय का जो है 3 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया है इन्हें हाल ही में भी। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो उसका हेड ऑफिस तो नई दिल्ली में है ही, स्थापना हुई थी इसकी 26 जनवरी 1950 को, अभी वर्तमान में रंजन गोगोई है। फिजी की राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है सुआ है, याद रखिएगा फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर और राजधानी सुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद में काम होता है GOG कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। भारत पे ने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मर्चेंट सेवा और UPI भुगतान एप्लीकेशन भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका लॉन्च हुई थी ये कंपनी 11 अप्रैल 2016 को और इसके CEO है अश्नीर ग्रोवर।
अगला क्वेश्चन है, साना मीर वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला स्पिनर बनी है। ये पाकिस्तान की खिलाड़ी है साना मीर, और ये वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है। 147वां विकेट लिया है इसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया, और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लिया था तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपकी एक तो कैप टाउन, दूसरी प्रिटोरिया, तीसरी है ब्लाम फोंटिन, याद रखिएगा ब्लाम फोंटिन, और करेंसी है अफ्रीकी रेंड। सिरिल रामाफोसा यहाँ के जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, हॉलीवुड अभिनेत्री गायक डोरिस डे का निधन हो गया। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है डोरिस डे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 97 साल की उम्र में। इनकी एक आत्मकथा भी थी डोरिस डे हर ऑन स्टोरी, ठीक है। सो इतने ही थे आज के हमारे क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।